आज हम बात करेंगे दूसरे सूत्र के ऊपर। दूसरा सूत्र पहले सूत्र से कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। पहले सूत्र के अंदर बुद्ध ने बात की थी दुख के ऊपर, कि किस तरह सभी जो दुख हैं वो मन से पैदा होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम दुख ही होता है, और दुख उसका अनुसरण, उसका पीछा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों का पीछा करता है। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेना भासति वा करोति वा ततोनम दुखम मनवेति चक्खम वा वहतो पदम। अब दूसरे सूत्र में बुद्ध क्या कहते हैं वो देखेंगे। दूसरे सूत्र में बुद्ध कहते हैं, मन सभी धर्मों का प्रधान है, पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ करता है या कुछ कहता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। मनुष्य की छाया का उदाहरण उन्होंने दिया है। इस सूत्र के अंदर बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई प्रसन्न मन से कार्य करता है या कुछ कहता है तो सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब समझने वाली बात यह है कि प्रसन्न मन क्या है और मन प्रसन्न होता कैसे है। कल हमने ये देखा था कि मन दुखी कैसे होता है, मन में विकार कैसे होते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं कि मन में विकार कैसे पैदा होते हैं तो सुख आपको लाना नहीं पड़ेगा। समझना आपको सिर्फ इतना है कि मन अप्रसन्न कैसे होता है, दुखी कैसे होता है। दुख का प्रादुर्भाव या दुख की शुरुआत मन में कैसे होती है, अगर आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया तो आपको सुख का राज भी समझ में आ जाएगा। दोबारा से हम इसको एक बार समझेंगे क्योंकि बुद्ध सुख के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रसन्न मन की वो बात करते हैं कि अगर आप प्रसन्न मन से कुछ कहते हैं या करते हैं तो सुख आपका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ेगा जैसे आपकी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती है, वो परछाई की तरह आपके साथ रहेगा। पर क्या हम प्रसन्न मन से कोई काम नहीं करते हैं? हम तो करते हैं। हमने कई बार खुशी खुशी लोगों से मिलने की, बात करने की कोशिश की है, खुशी खुशी अपने कामों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हमारा अनुभव ऐसा है कि सुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है? या हमारे साथ इसका उल्टा होता है कि हम किसी काम को प्रसन्न मन के साथ करने जा रहे हैं लेकिन किसी ने बीच में टोक दिया या हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, हमारा मूड खराब हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं हम कि जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं हुआ। जब हम काम करने जा रहे थे तब तो हमारा मन प्रसन्न था, हमारा मन खुश था, लेकिन अगर जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा मन दुख से भर जाता है और इस पीड़ा से तड़प उठता है कि मैं जैसा चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं जैसा चाहता हूँ उस काम में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है और आपका सारा शरीर
एक अजीब सी टेंशन से भर जाता है, अजीब सी पीड़ा से भर जाता है, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन विषाद से भर जाता है। आप तो खुशी खुशी करने गए थे, प्रसन्न मन से गए थे कार्य को करने, फिर क्या हुआ? फिर सुख ने आपका पीछा क्यों छोड़ दिया? क्या कहना चाहते हैं बुद्ध यहां पर? इसका मतलब समझने में हमसे कुछ कहीं छोटी सी भूल हो रही है, हम वो नहीं समझ पा रहे हैं जो बुद्ध कहना चाह रहे हैं या बुद्ध का जो तात्पर्य है। जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मन में दुख उत्पन्न होता क्यों है। आप चाहते हैं घर खरीदना, एक ये एक मैं उदाहरण ले रहा हूं कि मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आपके बजट में वो घर मिल भी जाता है आपको, लेकिन जब आप बैंक के पास, आप बहुत खुश हैं कि आपको वैसा घर मिल गया जो आपके बजट में है, लेकिन जब आप बैंक के पास जाते हैं कि मुझे लोन चाहिए इस घर को खरीदने के लिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि पूरा पड़े, तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन की डिमांड करते हैं कि मुझे लोन चाहिए। तो बैंक सबसे पहले आपके पेपर्स को चेक करेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी के पूरे पेपर हैं या नहीं हैं, आपकी जो कॉलोनी है जहां पर आपका घर है या जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, कहीं इल्लीगल जमीन पर आपने घर तो नहीं देख लिया है, कहीं आपके पास ऐसा ना हो कि जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी के पूरे पेपर ही नहीं हैं, वो आपको गलत पेपर के साथ प्रॉपर्टी बेच के चला जाए, और सौ लफड़े होते हैं। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपके प्रॉपर्टी पेपर्स चेक करता है, आप बहुत खुश हैं कि मुझे फाइनली मेरे बजट के अंदर घर मिल गया है, लेकिन तभी बैंक का जो वकील है वो आपसे कहता है कि आपके पास तो पूरे पेपर ही नहीं है, इसके अंदर फला डॉक्यूमेंट गायब है, कोई एग्रीमेंट गायब है। अब आपको टेंशन हो जाती है कि ले दे के जैसे तैसे तो मुझे वो घर मिला था जो मैं खरीदना चाहता था, मेरे बजट में भी था, लेकिन इसके तो पेपर ही पूरे नहीं है। और आपको, मैं मान के चलता हूं, थोड़ी सी टेंशन आपको शुरू हो जाती है, थोड़े से आप असहज होने लगते हैं, अब ये टेंशन है क्या, ये टेंशन आ क्यों रही है या ये दुख आ क्यों रहा है? आप तो प्रसन्न मन से घर खरीदने गए थे, आप तो खुश थे, फिर ये टेंशन कहां से आ रही? आप ध्यान से देखें तो आपका मन जो हो रहा है उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसने अपना एक फिक्स थॉट बना लिया है कि मैं घर खरीद के रहूंगा, मुझे घर मिल चुका है। इनफैक्ट विचारों के अंदर आप उस घर में रहना भी शुरू कर देते हैं, आपकी कल्पना आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप उस कल्पना का सहारा लेके उस घर के अंदर रहना भी शुरू कर देते हैं, इतना तेज आपका जो मन है वो कल्पनाओं का निर्माण करता है, जो कहें कि इच्छाओं का निर्माण करता है,
कि न सिर्फ आपने अभी तक घर खरीदा नहीं है, अभी सिर्फ खरीदने की बात चल रही है, प्रॉपर्टी पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इस घर को देखा, क्योंकि वो आपको घर पसंद था, आपके बजट में भी था, तो आपके मन ने तुरंत ये कल्पना कर ली कि मैं इस जब इस घर के अंदर आके रहूँगा, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा तो कितना मज़ा आएगा। यहाँ पर मेरा टीवी रखा होगा, यहाँ पर मैं सोफ़ा लगाऊँगा, इस कमरे के अंदर मेरा बेडरूम होगा, इस कमरे में अगर आप शादीशुदा हैं तो इस कमरे में मेरे बच्चों का बेडरूम होगा, स्टडी होगी, यहाँ पर मैं इस तरीके से सजावट करूँगा, मैं इस कलर का पेंट यहाँ पर लगाऊँगा, और दुनिया भर की कल्पनाएं जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका मन कर सकता है, वो सब करना वो स्टार्ट कर देता है। आपने ध्यान दिया कि हुआ क्या? आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, आप तथ्य से हट के कल्पना में जा चुके हैं, फैक्ट से आप दूर चले गए हैं। तथ्य क्या होता है? फैक्ट, जो कि बुद्ध का नाम भी है, तथागत उनको कहते थे, जो तथ्य पे, जो तथ्य की ओर इशारा करे, जो तथ्य की बात करे। आप क्या कर रहे हैं? आप तथ्य से दूर हट रहे हैं, आपका विचार, आपकी कल्पना आपको फैक्ट से दूर लेके जा रही है। अभी तक आपने घर खरीदा नहीं है, लेकिन आपके मन ने ये सपना संजो लिया है कि जब मैं इस घर के अंदर रहूंगा तो कैसा आनंद आएगा, कैसा सुख मुझे प्राप्त होगा। और अब जब बैंक इस सुख के बीच में बाधा डाल रहा है तो आपको टेंशन हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बैंक का बाधा डालना दुख है? बैंक आपको बता रहा है कि पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर्स पूरे नहीं हैं, उसमें कमी है, क्या बैंक आपके सुख के बीच में बाधा डाल रहा है, या वो आपको फैक्ट बता रहा है, या फिर आपका मन जो कि एक कल्पनाएं कर रहा है कि जब मैं इस घर में रहूंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा। इनमें से कौन सी चीज है जो दुख पैदा कर रही है? आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक ने आपको फैक्ट बताया है। इनफैक्ट अगर आप बैंक की मान के चलेंगे तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी आपको जल्दबाजी में वो प्रॉपर्टी बेच के जाना चाह रहा हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में हैं उस मकान को खरीदने के चक्कर में कि आप फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। तो बैंक ने तो आपको फैक्ट बताया, लेकिन आपकी कल्पना, आपके मन की कल्पना जो है वो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है, इतनी ठोस, इतनी डेंसिटी उसकी हाई हो चुकी है, इतनी डेंस हो चुकी है वो, कि वो फैक्ट को नहीं देखना चाहती, वो अपने ख्यालों में खोई रहना चाहती है, और वो दुख का कारण बनती है। वही आपके अंदर टेंशन पैदा करती है, वही डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फियर को पैदा करती है, क्योंकि आपने बहुत तेजी से, आपके मन ने बहुत तेजी से इस कल्पना का निर्माण किया कि मैं इस जब मैं इस घर के अंदर रहूंगा तो मेरा जीवन कैसा सुखपूर्ण होगा। इसी कल्पना ने आपको फैक्ट से दूर हटा दिया। फैक्ट क्या है? कि घर के पेपर पूरे नहीं हैं। अगर आप इस घर को खरीदते हैं तो आप किसी झमेले में पड़ सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी की जा सकती है, या हो सकता है कि कल को अगर आप इस घर को आगे कहीं पास ऑन करना चाहें, बेचना चाहें, तो आप बेच ना पाएं क्योंकि आपके पास पूरे पेपर्स ही नहीं हैं। तो दुख का असली कारण क्या है?
दुख का असली कारण है फैक्ट से दूर हट जाना, कल्पना में चले जाना। यही चीज है, फैक्ट से दूर हट जाना वही चीज है जो आपको मन में दुख को पैदा करती है। अब एक आदमी है, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक आदमी है जो क्रोध से परेशान रहता है, जैसे गुस्सा बहुत आता है, उसकी प्रॉब्लम है कि हर छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा कर देता है, वो भी इस बात से परेशान है। लेकिन समाज ने उसे सिखाया है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती बेटा, आदमी को शांत रहना चाहिए, आदमी को शील बनना चाहिए, आदमी को हर जगह अपने गुस्से को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो वो अपने मन में कल्पना करता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना एक खराब बात है और मुझे एक शांतिपूर्ण व्यक्ति बनना है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि उस आदमी के अंदर गुस्सा है, गुस्सा भरा हुआ है, उसकी आदत है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने की। लेकिन जिस शांतिपूर्ण मन आदमी की उसने कल्पना की है, जिस शांतिपूर्ण व्यक्ति की उसने कल्पना की है कि मुझे ये शांतिपूर्ण व्यक्ति बनना है, वो एक कल्पना है, वो एक असत्य है। आप जो हैं, जब आप उससे दूर हट जाते हैं और एक ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपका जो मन है वो दुविधा में पड़ जाता है। आप ड्यूअलिटी क्रिएट कर देते हैं, द्वैत को क्रिएट कर देते हैं। और फिर आपका मन जो है वो इसी रस्साकसी में लगा रहता है कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं, और अंततः जीत उसी हिस्से की होती है जो हिस्सा गुस्सा करना चाहता है। क्योंकि जब आप शांति प्रिय व्यक्ति बनना चाहेंगे और आपको गुस्सा आ रहा है, सत्य यह है कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा करना नहीं चाहते, तो आप गुस्से को दबाएंगे। जब आप गुस्से को सप्रेस करेंगे, उसे दबाएंगे, तो एक लिमिट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकलना चाहता है लेकिन आप निकलने नहीं देना चाहते, तो एक लिमिट है उस बर्तन की। एक समय के बाद वो बर्तन, अगर प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो वो बर्तन फट जाएगा। तो ऐसे एक समय तक आपके मन की लिमिट है, वो सभ्य बन के दिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक समय के बाद जब वो लिमिट टूट जाती है तो वो फट पड़ता है, और गलत जगह पर फट पड़ता है। जहाँ गुस्सा नहीं निकलना चाहिए वहाँ पर भी निकल जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आप फैक्ट से, सत्य से दूर जा रहे हैं। सत्य ये है कि आपको गुस्सा आता है और आप इस क्रोध के साथ रुकना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको क्रोध से अक्रोध की यात्रा तय करनी है तो आपको क्रोध को समझना पड़ेगा। बुद्ध का जोर समझने पर है, समझ के ऊपर है, और समझ आप तभी सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप समझ तभी सकते हैं जब आप उसके साथ ठहरें, आप उसके साथ रुकें, आप उसके साथ समय व्यतीत करें। लेकिन आप क्रोध के साथ समय तो व्यतीत करना नहीं चाहते, आप तुरंत चाहते हैं कि मेरा क्रोध जो है वो शांत हो जाए, या तुरंत मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊँ जो क्रोध नहीं करता है। जब आपने बड़ी मेहनत करके इस क्रोध की आदत को पैदा किया है पिछले कई सालों में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका क्रोध एकदम से समाप्त हो जाए, एकदम से खत्म हो जाए? क्रोध आपके लिए बड़ी नई चीज है, आपने आज तक सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, आपने कभी क्रोध को समझा तो है ही नहीं। सिर्फ क्रोध आता है तो आप उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप
क्रोध को, क्रोध से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको क्रोध के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। जब आपको क्रोध आया तो उससे दूर मत भागिए, उसे एक मौके की तरह, एक अवसर की तरह देखिए कि वो एक अवसर है क्रोध को जानने का। और एक कमाल की बात यह है कि जब क्रोध आता है आप तभी उसे जान सकते हो, ना बाद में उसे जानने का कोई तरीका है, ना पहले उसे कोई जानने का तरीका है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आप दोबारा से सुने और दोबारा से समझें कि जिस क्षण क्रोध आया उसी क्षण आप क्रोध को जान सकते हो, ना तो आप उसके बाद, उस क्षण के बाद आप क्रोध को जान सकते हो, ना उस क्षण से पहले आप क्रोध को जान सकते हो। कोई तरीका नहीं है कि जबरदस्ती आप क्रोध को पैदा कर लो अकेले बैठ के, और कोई तरीका नहीं है कि जब मौका चला गया है तो आप क्रोध को इमेजिन कर सको। तो जिस समय आपके मन में क्रोध उठ रहा है वो एक अवसर है क्रोध के साथ रुकने का, टिकने का और उसे जानने का। अगर आप रुके, आप टिके तो आप उसे जान पाएंगे। तो जब तक आप ठीक से दुख को नहीं समझ लेते कि दुख कैसे पैदा हो रहा है, तब तक आप अपने मन को प्रसन्न चित्त नहीं रख सकते। या ऐसा कहूं कि आपका चित्त तब तक प्रसन्न अवस्था में नहीं रहता जब तक वो ठीक से दुख को नहीं समझ लेता। हमने क्रोध का एग्जाम्पल लिया था, एंगर का। तो आप एंगर से ही इसे समझ लीजिए कि जब तक आप ठीक से क्रोध को समझ नहीं लेते तब तक आप क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। ये मन का नियम है कि वो जिस चीज को ठीक से समझ लेता है वो उसे त्याग देता है। जैसे बच्चा जब अपने बचपन के खिलौनों से खेल लेता है जी भर के, तो अपने आप छोड़ देता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। तो अगर आपने ठीक से क्रोध को भोग लिया, क्रोध की अवस्था को, मैं क्रोध को निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर क्रोध निकाल दीजिए या क्रोध को दबा लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, पर क्रोध के साथ ठहरिए, क्रोध की जलन के साथ ठहरिए, उस पीड़ा को महसूस कीजिए कि क्रोध जब आप करते हैं तो उस क्षण में होता क्या है, किस तरह की अजीब सी टेंशन से आपकी बॉडी गुजरती है। वो टेंशन या वो जो एक तरह की आग लगी हुई है गुस्से के क्षण में, क्रोध के क्षण में आपके शरीर में, वो आग है क्या, वो कैसे उत्पन्न हो रही है, आप क्या कर रहे हैं अपने मन में कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उस क्रोध की जड़ क्या है। जब तक आप खोज के उस जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक आप क्रोध से मुक्त नहीं होंगे तब तक क्रोध आपकी परेशानी बना रहेगा। असल बात तो ये है कि क्रोध परेशानी नहीं है, परेशानी है आपका क्रोध को नियंत्रित करना, आपका क्रोध से दूर भागना। आप क्रोध के साथ एक क्षण भी टिकना नहीं चाहते, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहे हैं बचपन से उसने आपको यह सिखाया है कि क्रोध एक बहुत खराब चीज है, आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा खराब चीज है, जो सवाल है वो ये है कि क्रोध आपने नहीं बनाया, प्रकृति ने आपको दिया है। क्रोध प्रकृति की ऊर्जा है, और अगर क्रोध की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो प्रकृति ने उसे बनाया क्यों है? क्योंकि जीवन के अंदर, प्रकृति के अंदर वही चीजें हैं जिनकी जीवन को आवश्यकता है। प्रकृति ने कोई भी चीज बेवजह नहीं बनाई है। क्या आपने कभी बैठ के इस विचार के साथ समय बिताया है कि
प्रकृति ने क्रोध की रचना क्यों की है अगर क्रोध बेकार चीज है तो? तो अगर आप चाहते हैं कि भय से, क्रोध से, लोभ से, ग्रीड, एनवी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इससे आपकी मुक्ति हो और आपका मन प्रसन्न हो, आप प्रसन्न मन से कार्य कर पाएं, प्रसन्न मन से कुछ कह पाएं और सुख आपका, आपकी छाया बन के आपके साथ चले, तो ये तभी हो सकता है जब आप दुख पैदा कैसे हो रहा है इसे समझ लें। जब तक आप दुख की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रसन्न मन की जो अवस्था है वो नहीं आने वाली है। तब तक आप इसी सर्कल में फंसे रहेंगे कि आपको सोसाइटी ये सिखाएगी कि क्रोध नहीं करना चाहिए, आप क्रोध को दबाएंगे और जब क्रोध आएगा आप एक हद के बाद आप क्रोध प्रकट कर देंगे और फिर आप पछतावे में पड़ेंगे। एक गिल्ट आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि मुझे ये नहीं करना था, ये खराब बात है और मैंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहता तो ऐसा होने से रोक सकता था। गिल्ट ऐसे ही, गिल्ट के अंदर आदमी को ऐसे ही विचार आते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट का पैटर्न, थॉट पैटर्न यही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं चाहता तो ऐसा होने से रोक सकता था, मैंने ऐसा क्यों किया। सोसाइटी ने आपको एक चीज सिखा दी है कि गुस्सा आपका दुश्मन है और जब आप किसी चीज को कंडेम करने लगते हैं, उसे एक घिन भरी निगाह से देखने लगते हैं, तो आप उसके साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहेंगे। आपने पहले ही ये मान लिया है कि गुस्सा मेरा दुश्मन है, आप उसे एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्रोध को आप एक नेगेटिव वर्ड में की तरह लेके चलते हैं, नेगेटिव इमोशन की तरह हम पहले ही उसे लेके चलते हैं और पहले ही हम उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, दुश्मन मान लेते हैं। और जब आपने उसे शत्रु मान ही लिया तो आप दुश्मन की शक्ल देखोगे कैसे? और जब आप उसकी उसे देखना ही नहीं चाहते तो उसके साथ रुकने की, उसके साथ ठहरने की, उसके साथ समय बिताने की बात तो भूल ही जाइए। दुश्मन के साथ कौन कितनी देर तक बैठ सकता है, अपने एनिमी के साथ आप कितनी देर तक समय बिता सकते हैं? तो प्रॉब्लम स्टार्ट तो यहीं से हो गई ना, क्योंकि आपने पहला ही कदम गलत रख दिया, आपने पहले ही कदम पे कंडेम कर दिया गुस्से को, आपने पहले ही उसे एक नेगेटिव परिभाषा दे दी। और जब आपने उसे नेगेटिव परिभाषा दे दी, आपने पहले ही कदम पे उसे खराब बता दिया, तो फिर बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप उससे दूर ही भागना चाहेंगे, आप उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध दूसरे सूत्र के अंदर जो कह रहे हैं कि मन सभी धर्मों का प्रधान है, पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं, यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता या कुछ करता है तो उसका फल सुख ही होता है, सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मन है वो प्रसन्न मन हो जाए, आपका चित्त प्रसन्न चित्त हो जाए, आप उसी प्रसन्न चित्त से कार्य करें, बात करें तो उसी प्रसन्न चित्त से करें, तो आप समझिए चीज़ों को कंडेम करना बंद कीजिए, चीज़ों को न्यूट्रल होके देखना शुरू कीजिए। जब भी क्रोध आए तो आप क्रोध को बिना अच्छा या बुरा कहे देखिए, ना ये कहिए कि ये अच्छा है, ना ये कहो कि ये बुरा है, ना उसकी तारीफ करो ना उसकी बुराई करो, सिर्फ देखो कि ये है क्या। चुपचाप होश में रह के
उसे आप देखिए, और जितना समय आप उसके साथ बिताएंगे उतनी ही उसकी सच्चाई खुल के आपके सामने आएगी, उतना ही उसका स्रोत आपके सामने खुल के आएगा कि ये किस स्रोत से पैदा हो रहा है, किस सोर्स से आ रहा है। और एक बार सोर्स आपकी पकड़ में आ गया, फिर क्रोध आपके हाथ का खिलौना है, आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें, आप चाहें। फिर एक चीज का जन्म होता है जिसे कहते हैं फ्री विल। फिर आपके हाथ की बात है कि आप क्रोध को इस्तेमाल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, और अगर इस्तेमाल करेंगे तो किस हद तक करेंगे ये भी आप अपनी फ्री विल से तय कर सकते हैं। बट जब तक सोर्स आपके हाथ में नहीं है, वो स्रोत आपके हाथ में नहीं है जो गुस्से को पैदा करता है, तब तक आप गुस्से के हाथ की कठपुतली रहेंगे। गुस्सा आपको नियंत्रित करेगा, क्रोध आपको नियंत्रित करेगा, या मुझे कहना चाहिए कि मन आपको नियंत्रित करेगा। आपका अपने मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, आप अपने मन के मालिक नहीं होंगे, मन आपका मालिक होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।